हेलो दोस्तों विद्या आराधना एकेडमी में आपका स्वागत है भाई हूँ आपका दोस्त आपका टीचर गणेश धर्माधिकारी आज के सेशन में हम के वीपीवाई के पी मैंसुरेशन ये पी के लिए मैंसुरेशन चैप्टर को देखने वाले हैं मैंसुरेशन में कितने क्वेश्चन आए थे कैसे आए थे वगैरह वगैरह जैसे मैंने आपको पहले सेशन में बताया था बच्चों पहला सेशन कौन सा था हमारा सेट थ्री का उसमें मैंने आपको बताया था कि मैंसुरेशन का वेल्टेज ज्यादा है वेल्टेज ज्यादा है इस सेंस में बोला था मैंने कि भाई क्वेश्चन कम है और सिलेबस उससे भी कम है मतलब उसके बेसिस पे अगर देखा जाए तो वेटेज ज्यादा ही हुआ क्योंकि हर साल इसका क्वेश्चन कोई ना कोई क्वेश्चन तो आता ही है तो इसलिए इस चैप्टर को कभी इग्नोर नहीं करेंगे बच्चे तो अभी देखते हैं पहला सवाल 2016 क्या बोला है देर आर टू कैंडल्स ऑफ सेम जो जरूरी पॉइंट है उसको नोट कर लेते हैं बच्चों सेम एंड सेम साइज बोला है ठीक है बोथ ऑफ देम बर्न एट यूनिफॉर्म रेट बोला है एक रेट है वो यूनिफॉर्म है बोला है दोनों द फर्स्ट वन बर्न्स इन फाइव आवर्स ओके फर्स्ट वन बर्न्स इन फाइव आवर्स एंड द सेकंड वन बर्न्स इन थ्री आवर्स बोला है तो इससे रेट ऑफ बर्निंग निकाल सकते हैं हम लोग पहले का रेट क्या हो जाएगा इससे पहले का रेट देखो लेंथ सेम है दोनों की लेंथ मान लेते हैं यल दोनों की तो पहले का रेट क्या हो जाएगा पांच घंटों में क्या हो रहा है ये पूरा बर्न हो रहा है मतलब पहले का रेट हो गया बाय फाइव दूसरे कैंडल का रेट क्या हो जाएगा सिमिलरली आर वन हो गया आर टू क्या हो जाएगा आपका यल बाय थ्री यहां तक क्वेश्चन अंडरस्टैंड कर लिया पूरा फिर क्या बोला है बोथ द कैंडल्स आर लिट टूगेदर एक ही टाइम पे दोनों कैंडल लगा दिए आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स द लेंथ ऑफ द फर्स्ट कैंडल थ्री टाइम्स लेंथ ऑफ लेंथ जो है जैसे मान लो अगर यल वन पहले की लेंथ बन जाती है तो कितने मिनट बाद क्या बोल रहा है किल टू यल टू दूसरे की लेंथ मान लेते हैं कितने मिनट बाद विल बी इक्वल टू थ्री टाइम्स यल टू बोला है तो देखो क्या कर सकते हैं तो मान लो ये रेट है five, तो इसको ये फाइव क्या है अवर्स में है बच्चों तो जो आंसर आने वाला है वो भी आवर्स में आएगा लेकिन हमें पूछा गया है यूनिट मिनट्स में तो वो बाद में देखेंगे आवर्स का मिनट में करना पड़ेगा इसमें तो ये पॉइंट हमने नोट कर लिया पहले का रेट क्या है बच्चों मान लो टाइम तक दोनों कैंडल्स क्या किए हमने जलाए तो L1 क्या बन जाएगा बच्चों यल वन विल बी टोटल लेंथ क्या है माइनस ये टाइम के लिए हमने इसको जलाया मतलब टी इन टू यल बाय फाइव हो जाएगा येल वन एल टू क्या हो जाएगा बच्चों सिमिलरली एल टू विल बी लेंथ तो उतना ही L माइनस फिर क्या हो जाएगा टी टाइम्स उसका रेट टी टाइम्स दूसरे का रेट क्या है L बाय थ्री करेक्ट अब क्या बोला है एल वन इज इक्वल टू थ्री एल टू मतलब क्या L माइनस टी टाइम्स एल बाय फाइव इज इक्वल टू थ्री इंटू एल माइनस टी टाइम्स एल बाय थ्री एल वन इज इक्वल टू थ्री एल टू ठीक है इसको सॉल्व करो क्या आएगा यल माइनस टी एल बाय फाइव इज इक्वल टू थ्री एल माइनस टी एल तो ये आ गया टी एल माइनस टी एल बाय फाइव तो हर तरफ से एल तो कैंसल हो जाएगा चलो ठीक है एल उड़ा देते हैं ये आ गया फिर आ, ये आ गया टी माइनस टी बाय फाइव

टू टू सा फोर तो टी आपका आ जाएगा टी इज इक्वल टू फाइव बाय टू विच इज टू पॉइंट फाइव टू पॉइंट फाइव मतलब कितने मिनट बच्चों सिक्सटी से मल्टीप्लाई करना है मिनट के लिए टू पॉइंट फाइव इन सिक्सटी क्या आएगा वन फिफ्टी मिनट्स, इज दिस करेक्ट करेक्ट ठीक है वन फिफ्टी मिनट्स आ गए ऑप्शन है क्या वन फिफ्टी एन ऑप्शन और वो हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन बच्चों ऑप्शन डी इज योर राइट ऑप्शन मिनट्स क्वेश्चन में कुछ था बस एक बार समझना था जो वर्डिंग है ये क्वेश्चन मतलब मैं का क्वेश्चन था लेकिन इसमें क्या है आपको इंग्लिश जो भी इसकी लैंग्वेज है वो समझना ज्यादा जरूरी है तो मतलब इंग्लिश अगर आता है आपको तो आप ये क्वेश्चन कर लोगे इसमें मतलब मैथ्स भी बहुत अच्छे से आने की जरूरत नहीं है अगला क्वेश्चन देखो क्या बोला कंसिडर अब क्यूबॉइड कंसिडर करो तो अभी जैसे कंसिडर करने बोला है तो सबसे पहले मैं डायग्राम निकालता हूं की. ऐसा कुछ आएगा क्यूबॉइड इंटीजर सारे एज क्या है इंटीजर से एंड हुज okay, तो बेस इज है, बेस है, है बोल रहा है मतलब इसकी लेल है तो ये भी ल होगा ये भी एल होगा ये भी एल होगा अब नीचे का बेस क्या है स्क्वायर है और ये क्यूबॉइड है मतलब ऊपर का भी फेस क्या हो जाएगा सेम हो जाएगा तो इसकी भी लेंथ इसकी भी यल हो जाएगी ये भी ये भी ठीक है फिर क्या बोला है सपोज द सम ऑफ ऑल इट्स एजेस इज दूमरिकली इक्वल टू द सम ऑफ एरियाज ऑफ ऑल इट्स सिक्स फेसेस तो उसके लिए सबसे पहले हम निकालते हैं सम ऑफ ऑल इट्स एजेस सम ऑफ ऑल इट्स एजेस सारे एजेस की सम कर लेते हैं क्या है देखो ये लेंथ य मान, मान लिया हमने यहां अब तक हमारा क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ इसको भी हमें कुछ एज्यूम करना पड़ेगा ये जो ये वाली जो लेंथ है इसको मान लेते हैं बी मान लेते हैं ये भी बी हो जाएगा ये भी बी हो जाएगा और ये भी बी हो जाएगा तो सम ऑफ ऑल इट्स एजेस हमारे पास क्या है चार लेंथ है ऊपर फिर नीचे भी क्या है चार लेंथ है उसके बाद ये जो बी वाले साइड है ये कितने हैं ये भी चार है तो फोर बी हो जाएगा ये तो ये क्या हो गया बच्चों इट इज एट एल प्लस फोर बी ये क्या है सम ऑफ ऑल इट्स साइड्स ऑल एजेस सम ऑफ ऑल एजेस ठीक है यहां तक हमने कर लिया कोई दिक्कत नहीं है आगे क्या बोला है इट इज इक्वल टू सम ऑफ द एरियाज ऑफ ऑल इट्स सिक्स फेसेस सम ऑफ ऑल सिक्स फेसेस मतलब क्या सरफेस uh, एरिया चाहिए टोटल सरफेस एरिया बेसिकली एक्सक्यूज में इसको टोटल सरफेस एरिया लिख लेते हैं टोटल सरफेस एरिया सही है वो क्या होगा सम ऑफ ऑल इट्स सम ऑफ एरियाज ऑफ ऑल इट्स सिक्स फेसेस तो एक फेस का एरिया यहाँ का नीचे का क्या हो जाएगा बच्चों एल जाएगा स्क्वायर है ऊपर का भी एल जाएगा स्क्वायर है उसके बाद ये वाला देखो लेंथ है एल और ब्रेड क्या है बी तो ये हो जाएगा एल बी इधर का भी क्या हो जाएगा एल बी तो ये टू एल बी हो गया अब अब क्या बचता है सामने वाला फेस और पीछे वाला फेस सामने वाला फेस का भी क्या होगा एरिया एल भी होगा पीछे वाले का भी एल भी होगा मतलब फिर से टू एल बी तो ये क्या आ रहा है टू एल प्लस फोर एल बी टोटल सरफेस एरिया हो गया अब अब हमें क्या बोला है सम ऑफ ऑल एजेस इज इक्वल टू क्या बोला है टोटल सरफेस एरिया मतलब क्या एट एल प्लस फोर बी टू एल स्क्वायर स्क्वायर प्लस फोर एल एल बी ओके अब साइड में एल वाले टर्म डाल देते हैं और बी के सारे टर्म लेफ्ट साइड लेके आएंगे तो क्या आएगा फोर बी इन ब्रैकेट वन माइनस एल इज इक्वल टू इधर आएगा टू एल स्क्वायर माइनस एट एल इसको टू से डिवाइड कर सकते हैं तो यह क्या आएगा बच्चों टू बी इन ब्रैकेट वन माइनस एल इज इक्वल टू फोर एल एल स्क् माइनस फोर एल इसको लिख सकते हो यल l एल माइनस फोर तो ये क्या हो जाएगा टू बी इज इक्वल टू l इंटू एल माइनस फोर बाय वन माइनस यल इज दिस करेक्ट लेकिन हाँ ठीक है इसमें कोई दिक्कत नहीं है अब क्या है जो हमारा बी जो है बी भी क्या है एक एज है हमने वो वर्टिकल जो एज था उसको बी मान लिया था तो अब एज है मतलब कोई तो साइड है तो ऑब्वियसली कोई भी साइड क्या है अगर ये क्यूबर्ड बन रहा है तो ऑब्वियसली वो हाइट जो है जो भी लेंथ बी है वो क्या होनी चाहिए इट शुड बी ग्रेटर देन धीरो इसका मतलब क्या बच्चों यल इंटू यल माइनस फोर अपॉन यल माइनस वन इसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस शुड बी लेस देन धीरो अब ये सॉल्व करो क्या मिलेगा बच्चों ये सॉल्व करोगे वे भी करो निकालो जीरो वन फोर जीरो वन और फोर ठीक है ये वन है इरेज ही कर लेता हूं कोई झंझट नहीं चाहिए जीरो वन और फोर ठीक है अब इसको वेविकर से क्या चाहिए हमें ये लेस देन जीरो चाहिए तो जीरो से कम अगर होता है मतलब कोई निगेटिव नंबर लेते हो आप माइनस वन लो क्या आएगा ये निगेटिव आएगा ये भी निगेटिव आएगा और माइ ये भी क्या आएगा निगेटिव मतलब ये लेस देन जीरो आएगा मतलब जीरो से नीचे तो ये निगेटिव आएगा मतलब जीरो से नीचे करेक्ट है फिर जीरो से वन के बीच में देखो क्या आएगा जीरो से वन के बीच में क्या आएगा जीरो से वन के बीच में क्या आएगा बच्चों देखो जीरो और वन के बीच में इसकी लेंथ क्या आएगी देखो जीरो और वन के बीच में क्या आएगी वन बाय टू सब्सटीट्यूट करके देखो यार सिंपल है क्या आएगा ये निगेटिव आएगा ये भी निगेटिव आएगा और ये पॉजिटिव मतलब ये वैल्यू क्या आएगी ये वैल्यू आ रही है पॉजिटिव इज दिस करेक्ट बच्चो यल क्या होना चाहिए आपका यल क्या होना चाहिए देखो देखो जीरो से नीचे क्या हो रहा है जीरो से नीचे क्या हो रही है वैल्यू माइनस वन रखोगे तो क्या हो रही है वैल्यू देखो ये आ रही है माइनस माइनस ये ऊपर का आ रहा है फाइव और ये माइनस वन तो ये क्या आ रहा है बेसिकली ये पॉजिटिव निगेटिव ये लेस देन जीरो आ रहा है मतलब ये वैलिड है माइनस वन से नीचे वैलिड है लेकिन क्या हो रहा है फिर जीरो से वन के बीच में देखो जीरो से वन के बीच में क्या आ रहा है यल एल वन नहीं हो सकता तो, तो वो तो क्लियर है एल कैन नॉट बीवल टू वन जीरो से वन के बीच में ये वैल्यू क्या आ रही है आ, ये वन बाई टू ये आ गया निगेटिव ये भी आ गया निगेटिव निगेटिव निगेटिव, निगेटिव पॉजिटिव ये ग्रेटर देन आ रहा है कहीं हमने इन में गड़बड़ तो नहीं करी बच्चों इनइक्वालिटी में तो गड़बड़ नहीं करी हमने देखो क्या किया है हमने टू एल्व स्क्वायर प्लस फोर एल बी आ गया यहाँ तक टोटल सरफेस एरिया ये आ गया टू एल स्क्स फोर एल बी आ गया एट एल प्लस फोर बी यहाँ से आ गया फोर बी माइनस फोर बी एल मतलब वन माइनस एल यहाँ पर आ गया टू एल स्क्वायर माइनस एट एल ठीक है तो यल स्क्वायर माइनस फोर एल आ गया ये टू बी इन ब्रैकेट वन माइनस एल आ गया ठीक है यहाँ तक क्लियर है अभी ये वन माइनस एल नीचे आ गया क्योंकि ये uh, b है तो ये क्या होना चाहिए इट शुड बी ग्रेटर देन जीरो तो ये क्या हो रहा है हमारा l इन टू एल माइनस फोर अपॉन यल माइनस वन क्या आ रहा है लेस देन जीरो आना चाहिए अब ये लेस देन जीरो कब होता है ये देखना है हमें ये वन से जीरो से वन के बीच में ये नहीं आ रहा है वन से फोर के बीच में देखते क्या होता है वन से फोर के बीच में टू सब्सटिट्यूट करो ये पॉजिटिव ये निगेटिव आएगा ये क्या आएगा ये पॉजिटिव आएगा और ये भी पॉजिटिव आएगा मतलब वन से फोर के बीच में ये क्या आएगा ये दो पॉजिटिव आ रहे हैं ये दो पॉजिटिव आ रहे हैं और ये सिर्फ ये वाली टर्म निगेटिव आ रही सिर्फ ये वाली टर्म निगेटिव हो जाएगी वन से फोर के बीच में तो इसलिए यहाँ पे भी क्या आएगा ये सही आएगा निगेटिव वैल्यूज हम कंसिडर नहीं कर सकते बच्चों क्यों क्योंकि रखेंगे, तो ये आया था ये भी निगेटिव आया था और ये पॉजिटिव मतलब ये पॉजिटिव आ रहा था मतलब 0 से वन के बीच में भी नहीं लेना अब बचा क्या वन से फोर के बीच में टू रखोगे तो टू माइनस वन वन आएगा पॉजिटिव ये आएगा निगेटिव और ये पॉजिटिव मतलब ये टोटल इन इन होल ये क्या होगा प्लस इन टू माइनस मतलब ये नेगेटिव आएगा मतलब लेस देन जीरो आ रहा है मतलब वन से फोर के बीच में आपका यल क्या करेगा लाइ करेगा येल बिलोंग्स टू वन टू फोर फोर से बड़ा कोई भी नंबर रखोगे तो ये क्या हो जाएगा पूरा पॉजिटिव हो जाएगा तो इसलिए येल क्या आ गया हमारा वन से लेके फोर के इंटरवल में आ गया हाँ ठीक है अभी क्वेश्चन हमारा ईजी है वन से लेके फोर के इंटरवल में देखो कितने इंटीजर से हमें क्या सिर्फ इंटीजर साइड से ये बोला है तो यल की वैल्यू यल कैन बी टू और थ्री अब क्या है यल जब टू होगा यल जब टू होगा देखो किधर गया हाँ यल जब टू होगा तो बी क्या होगा हमें रिलेशन क्या मिला था टू बी इज इक्वल टू यल इंटू एल माइनस फोर आप वन वन माइनस एल यल जब टू होगा तो ये क्या होगा वन माइनस टू ये माइनस वन हो जाएगा ये माइनस टू मतलब ये पॉजिटिव हो जाएगा बी भी क्या आ जाएगा आपका टू इंटू टू फोर आ मतलब टू बी फोर आ गया मतलब बी भी आपका टू आ जाएगा यल जब टू होगा तब बी भी टू आ जाएगा लेकिन यल जब थ्री होगा तब क्या हो जाएगा बच्चों थ्री माइनस फोर या माइनस वन आएगा इन टू थ्री माइनस थ्री आएगा ऊपर और नीचे क्या आएगा माइनस टू आएगा मतलब थ्री बाई टू आएगा आपका बी तो टू बी थ्री बाई टू आ रहा है मतलब बी क्या आएगा आपका थ्री बाय फोर आएगा कुछ तो इससे क्या हो जाएगा बच्चों आपका बी क्या आ रहा है फिर फ्रैक्शन आ रहा है हमें इंटीजर चाहिए तो यल की वैल्यू थ्री नहीं हो सकती यल की वैल्यू सिर्फ टू होगी और उस टाइम पे बी की भी वैल्यू क्या आ रही है टू आ रही है एम आई राइट आई माय राइट बच्चों तो इसकी वजह से बी की वैल्यू 2 आ रही है एल की जब 2 होगी तब तो तो क्या हो गया मतलब एल आपका हो गया 2 बी भी हो गया 2 और बाकी वैल्यूस क्या है पॉसिबल नहीं है क्योंकि इंटीजर आंसर नहीं आ रहा अब क्या पूछा है हमें अब बच्चों हमें पूछा है सम ऑफ ऑल इट्स एजेस सम ऑफ ऑल इट्स एजेस पूछा मतलब 8l 4b पूछा मतलब 8 into 2 16 4 into 2 8 ये पूछा है ये क्या आ रहा है 24 तो आपका आंसर हो गया ट्वेंटी फोर ठीक है तो ये था हमारा क्वेश्चन इजी है चलो आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन इन द फिगर ए बी सी डी इज अट स्क्वायर क्या दिया है ए बी सी डी क्या दिया यूनिट स्क्वायर ये स्क्वेंटीन का क्वेश्चन है यूनिट स्क्वायर दिया है. फिर क्या बोला अ सर्कल इज ड्रॉन सेंटर ओ ऑन द एक्सटेंडेड लाइन सी डी एंड पासिंग थ्रू ए मतलब एक्सटेंडेड लाइन सी डी पे क्या है सर्कल ड्रॉन किया विद सेंटर ओ ठीक है एंड पासिंग थ्रू ए मतलब ए से पास करेगा वो सर्कल ठीक है मतलब ओ ए क्या हो जाएगी रेडियस हो जाएगी ठीक है और ये यहाँ पे ओ एक्स हो जाएगी दूसरी रेडियस ठीक है इफ द डायगोनल ए सी इज टेंजेंट टू द सर्कल देन द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन पूछा है डायगोनल क्या है टेंजेंट है तो जो दिया है इंफॉर्मेशन वो सबसे पहले यूज कर लेते हैं बच्चों डायगोनल क्या है टेंजेंट है हम जानते हैं कि डायगोनल का एंगल ये क्या होता है 45 डिग्रीज क्योंकि ये स्क्वायर है ये भी हो जाएगा 45 फाइव डिग्रीज बिकॉज इट इज स्क्वायर अब ये 45 है ये 90 है तो ये भी क्या हो फोर्टी फाइव डिग्रीज बच्चो ये 45 फाइव डिग्रीज हो गया अब क्या है देखो ये क्या है टेंजेंट कभी भी क्या होती है टेंजेंट क्या होती है बच्चों ये ओ आर क्या है हमारी सॉरी ओ ए क्या है रेडियस है ओ ए क्या, क्या है आपकी रेडियस है बच्चों और टेंजेंट एट ए है ए सी क्या है ए सी इज टेंजेंट एट ए तो ऑब्वियसली रेडियस क्या है बच्चों ये क्या है ओ एज परपेंडिकुलर टू ए सी ऑब्वियसली क्योंकि क्या है वो उसी पॉइंट पेटेंशेंट है और ये उसी point की रेडियस है तो ये एंगल क्या हो जाएगा यहां से यहां से एंगल ओ ए सी ए हो जाएगा आपका 90 डिग्री अब ये एंगल 90 डिग्री हो गया आर की वैल्यू हमें नहीं पता आर की वैल्यू निकाल सकते हो आप यूनिट स्क्वायर है तो मतलब ये ये वन होगा ये वन है मतलब ये रूट टू हो जाएगा अब ये नाइनटी है ये फोर्टी फाइव है तो ये भी क्या हो जाएगा फोर्टी फाइव डिग्री एंगल बन गया अब ये रूट टू है तो ये भी क्या बन जाएगी रूट टू बन जाएगी तो मतलब आपकी रेडियस क्या आ गई बच्चों रूट टू आ गई अब रेडियस मिल गई है एंगल भी मिल गया है तो आप क्या कर सकते हो एरिया ऑफ सेक्टर निकाल सकते हो तो एरिया ऑफ सेक्टर ओ एक्स बोलेंगे एरिया ऑफ सेक्टर ओ एक्स वो क्या होगा बच्चों

एरिया माइनस करेंगे पूरे सेक्टर का तो क्या होगा तो क्या मिलेगा हमने तो क्या मिलेगा हमें शेडेड रीजन का एरिया नहीं मिलेगा हमें शेडेड रीजन का एरिया माइनस ये ट्रायंगल का एरिया मिलेगा क्योंकि हमें जब शेडेड रीजन का एरिया चाहिए तब हमें बस इस एरिया से सिर्फ ये वाला एरिया माइनस करना है ए डी एक्स वाला बट हमने अभी पूरा सेक्टर का एरिया माइनस कर लिया मतलब अगर जो आएगा उसमें हमने अगर ट्राइंगल का इस ट्राइंगल का एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए डी का ये एरिया निकाल के अगर ऐड कर लिया तो हमारा काम हो जाएगा ये क्या हो जाएगा ये लेंथ वन हो जाएगी ये भी क्या हो जाएगी अब ये फोर्टी फाइव फोर्टी फाइव नाइन्टी डिग्रीज आ रहा है तो मतलब ये भी क्या हो जाएगी ये फोर्टी फाइव तो ये क्या हो जाएगा भाई ये भी आपका वन हो जाएगा राइट right? तो ये क्या आएगा एरिया ऑफ ओ ए डी हाफ इंटू बेस वन इंटू हाइट भी वन तो ये आ गया वन बाई टू अभी हमें जो चाहिए एरिया ऑफ शेडेड रीजन वो क्या आएगा बच्चों एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या आएगा एरिया ऑफ शेडेड रीजन मैंने यहाँ पे आंसर ऑलरेडी लिखा है तो आपको ऑलरेडी आइडिया आ रहा होगा एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या आएगा एरिया एरिया ऑफ ऑफ स्क्वायर माइनस सेक्टर क्या निकाला था पाई बाय फोर प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल वो क्या निकाला था वन बाई टू तो ये करो थ्री बाय टू माइनस फाइव बाई फोर आ रहा है आपका आंसर मैंने क्या लिखा था आंसर भी थ्री बाय टू माइनस फाइव बाई फोर मतलब यही आंसर आएगा और ये सही है ऑप्शन इस क्वेश्चन में मैंने लिखे नहीं है तो इसलिए मैंने आंसर लिखा है तो ये आंसर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं 2018 का ऑफ सिलेंडर बोला, to बोला है मतलब क्या पहले विजुअलाइज करना सीखो बच्चों विजुअलाइज करो सबसे पहले मतलब एक सिलेंडर है जिसका रेडियस कुछ होगा मान लो आर है उसके ऊपर क्या बोला है इसने सॉलिड हेमिस्फीयर अटैच किया है मतलब ऐसा जिसकी रेडियस क्या है सिलेंडर के बराबर मतलब ऐसे टाइप का कुछ है तो क्या बोला है इफ द हाइट ऑफ द सिलेंडर वेयर डबल्ड कीपिंग द कीपिंग बोथ द रेडियस रेडियस फिक्स मतलब बोथ द रेडिया फिक्स रखे रेडिया फिक्स रखे बस हाइट क्या करिए डबल करिए ठीक है।, है अब क्या होगा बोल रहा है अब इसका क्या हो जाएगा वॉल्यूम अब इसका वॉल्यूम जो है इंटायर सिस्टम वो क्या हो रहा है 50 परसेंट से इंक्रीज हो रहा है मतलब अगर वॉल्यूम पहले वी था तो यहाँ पे वी प्लस क्या वी प्लस वन बाई टू भी मतलब क्या वन पॉइंट फाइव भी आ रहा है इसका वॉल्यूम ठीक है यह हमें दिया है क्वेश्चन में फिर क्या बोला है बाय वॉट परसेंटेज वुड द वॉल्यूम हैव इंक्रीज इफ रेडिया ऑफ हेमिसफियर एंड सिलेंडर वेयर डबल हाइट सेम रख के अगर रेडियस डबल की होती तब क्या होता ये हमें पूछा गया है कैसे करेंगे बच्चों देखो सबसे पहले हमें वॉल्यूम का फॉर्मूला पता है तो ये वी क्या आएगा पहला वॉल्यूम क्या आएगा बच्चों वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है पाईआर स्क्वेयर एच पाए स्क्वेयर एच और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है फोर बाय थ्री पाईआर क्यूब तो हेमी क्या हो जाएगा टू बाई थ्री पाईआर क्यूब ठीक है। है? है, अब में में क्या क्या किया है? उस केस हमें हमने बस हाइट हाइट डबल की की इसकी है. तो v क्या आ जाएगा बच्चों? क्योंकि जगह पे ये आगे का जो एरिया था वो वैसे का वैसा रहेगा ये दिया है हमें अब वन पॉइंट फाइव वी इज इक्वल टू दिस इससे हमें क्या मिलेगा एक रिलेशन मिलेगा किसके बीच का Uh, जब v की जगह पे ये सब्सटीट्यूट करेंगे तो हमें एक रिलेशन मिलेगा h और r के बीच का ठीक है वो रिलेशन निकालो क्या आएगा बच्चों थ्री बाय टू इंटू वन पॉइंट फाइव को थ्री बाई टू लिख रहा हूँ पाई आर स्क्वाच प्लस टू बाय थ्री पाई आर क्यूब इज इक्वल टू क्या रहा है टू पाई आर स्क्वाच प्लस टू बाय थ्री पाए आर क्यूब दोनों तरफ पाई आर स्क्वायर से डिवाइड कर सकते हैं हम लोग तो ये बचेगा क्या बच्चों ये बचेगा थ्री बाय टू एच प्लस ये थ्री बाय टू इंटू टू बाई थ्री करोगे तो वो कैंसिल हो जाएगा और ये पाई आर स्क्वायर हमने डिवाइड किया है तो आर बचेगा सिर्फ प्लस आर इज इक्वल टू इधर क्या बचेगा बच्चों अभी पाई आर स्क्वायर से हमने डिवाइड किया है तो इधर बचेगा टू एच प्लस टू बाय थ्री आर अब आर के टर्म एक साइड लो ये आएगा आर माइनस टू बाई थ्री आर मतलब इससे क्या आएगा आर इक्वल टू थ्री बाय टू या फिर या फिर बोल सकते हो आर इज इक्वल टू थ्री एच बाय टू ये हमने कर लिया अभी हमें क्या बोला है कि परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम निकालना है कब कब तब जब आपकी सिर्फ रेडियस डबल हुई है हाइट सेम है तो मतलब पहला वॉल्यूम उसमें वी क्या हो जाएगा बच्चों व्ही विल भी सेम तो निकालने की जरूरत नहीं है डैश तो क्या हो जाएगा रेडियस डबल हो गई है हाइट सेम है मतलब ये क्या आएगा फिर पाय आर स्क्वेर एच की जगह पे टू आर होल स्क्वाच प्लस टू बाय थ्री पाएर क्यूब आर क्यूब की जगह पे यहाँ पे क्या रखना पड़ेगा फिर रेडियस डबल हो गई है तो ये क्या होगा टू आर होल क्यूब तो ये क्या आएगा बच्चों नया वॉल्यूम फोर पाई आर स्क्वायर एच प्लस ये आ गया सिक्सटीन बाई थ्री पाई आर क्यूब ठीक है वी डैश आ गया तो इसको क्या लिख सकते हो आप आर को थ्री बाई टू एच लिख सकते हो या फिर एच को टू बाई थ्री आर लिखो वो ज़्यादा ईजी है एच को लिखो टू बाई थ्री आर वो ज़्यादा ईजी है फोर पाई आर स्क्वेर इंटू इसको लिखो टू बाई थ्री आर प्लस इसको लिखो सिक्सटीन बाय थ्री पाए तो ये क्या आ गया बच्चों एट पाए बाय थ्री आर क्यूब प्लस सिक्सटीन बाय बाय थ्री आर क्यूब तो ये क्या आ गया बच्चों ट्वेंटी फोर पाए बाय थ्री आर क्यूब ये आ गया वी डैश और वी क्या है वी भी हम क्या करेंगे अब सिर्फ आर के टर्म्स में निकालेंगे वी क्या था पाई स्क्वेर एच प्लस टू बाय थ्री पाई आर क्यूब तो भी क्या आएगा आपका πr² स्क्वायर एच की जगह पे क्या करना है हमें एच की जगह पे टू बाय थ्री आर रखना है राइट प्लस टू बाय थ्री पाई आर क्यूब था राइट ये क्या आ गया फिर ये आ गया टू बाय थ्री पाएआर ये आर है नॉट क्योंकि एच क्या है टू बाय थ्री आर तो ये क्या आ गया टू बाय थ्री पाई आर क्यूब प्लस ये आ गया टू बाय थ्री पाए क्यूब इज दिस करेक्ट तो ये क्या हो जाएगा वॉल्यूम बेसिकली ये आ गया फोर बाय थ्री पाए ये भी आ गया हमें क्या परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम निकालना है मतलब क्या डेल्टा वी बाय वी इंटू हंड्रेड निकालना है तो ये क्या आएगा वी डैश माइनस वी अपॉन वी इंटू हंड्रेड वी डैश क्या है ट्वेंटी फोर बाय थ्री पाई आर क्यूब माइनस वी क्या है फोर बाय थ्री पाई आर क्यूब अपॉन वी मतलब फोर बाय थ्री क्यूब इंटू हंड्रेड करना पड़ेगा ये क्या आएगा बच्चों फोर बाय थ्री पा आर क्यूब फोर बाय थ्री पाई कैंसिली फोर तो ये आ गया सिक्स सिक्स माइनस वन इंटू हंड्रेड आ गया ये तो ये क्या आएगा फाइव इंटू हंड्रेड विच इज फाइव हंड्रेड ये हमने निकाला डेल्टा वी बाय वी का परसेंटेज तो मतलब यह क्या आ रहा है फाइव हंड्रेड परसेंट परसेंट चेंज इन वॉल्यूम क्या फाइव हंड्रेड परसेंट बच्चों तो ऑप्शन सी इज आवर करेक्ट ऑप्शन बच्चों इसमें क्या करना था जो दिया है बस सब कुछ दिया हुआ था बस हमें कैलकुलेट करना था फॉर्मूला यूज करके और इसमें बस एक गलती बच्चे कर सकते हैं वो ये है कि यहां पे हेमिस्फीयर बोला है आप स्फीयर के का फॉर्मूला नहीं यूज कर सकते फोर बाय थ्री पायर क्यूब यूज नहीं कर सकते आप हेमी है मतलब वॉल्यूम हाफ होगा तो इसलिए फोर बाई थ्री की जगह पे बस टू बाई थ्री करना है यही एक क्या था थोड़ा सा मतलब क्या बोल सकते हो आप चेंज था और आपको आ, चेंज इन वॉल्यूम निकालना है परसेंट चेंज इन वॉल्यूम निकालना है तो ये फॉर्मूला है तो ये आपको पता है बस यही यही करना था और कुछ था ही नहीं इस क्वेश्चन में अगला क्वेश्चन देखो क्या बोला है बच्चों यल क्या दिया है एक रियल नंबर दिया है सी बोला है सर्कल बोला है और टी क्या है ट्राइंगल विथ पेरीमीटर यल तो मतलब एक ट्राइंगल है आपके पास मान लो इसकी पेरीमीटर क्या है L है ए प्लस बी प्लस सी क्या है L है हमें पता है ये क्या होता है पेरीमीटर क्या है टू टाइम्स सेमी पेरीमीटर मतलब यल इज इक्वल टू टू एस बोल सकते हो यहां से फिर क्या दिया है सर्कल की पेरीमीटर दी है वो क्या है सर्कल का सरकम दिया है ठीक है सर्कल का सर्कम दिया है वो क्या है यल है यल इज इक्वल टू टू पायर बोल सकते हो यहां से तो यहां से आ गया आर इज इक्वल टू यल अपॉइंट टू पायर जितना पता था उतना लिख लिया अब क्या हमें क्या पूछा है एरिया ऑफ सारे ऑप्शन क्या है एरिया ऑफ सर्कल और एरिया ऑफ ट्राइंगल के रेशो के टर्म्स में तो मतलब क्या हमें एरिया ऑफ सर्कल निकालना है और एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है तो क्या होगा एरिया ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा बच्चों ए ऑफ सी

और बाकी कुछ पता है, Area of triangle क्या होता है? सबसे पहले क्या क्या है Area of triangle क्या होता है? है। बच्चों? होता होता ऐसा ही कुछ होता है. अब हमें जो ऑप्शन दिए हैं वो सारे क्या है ग्रेटर लेस देन अल्फा वगैरह वगैरह मतलब इनइक्वालिटी निकालनी है कोई रेशियो निकालना है अब इन का जब भी बात आती है तो सबसे पहले इनइक्वालिटी हमारे दिमाग में क्या आती है बच्चों ए एम ग्रेटर देन और इक्वल टू जी एम ग्रेटर इक्वल टू एच एम तो यहां पे क्या करेंगे हम यस माइनस ए यस माइनस बी क्योंकि एरिया निकालना है और यस माइनस सी तीन टर्म्स ले लेंगे और ए एम ग्रेटर देन और इक्वल टू जी एम का फॉर्मूला लगाएंगे देखते हैं क्या आएगा थॉट प्रोसेस देखो बच्चों मैं कैसे एक्सप्लेन कर रहा हूं किस वे में जा रहा हूं सोचो हमें क्या ऑप्शन में सारे इनक्वालिटी के टर्म्स में दिया जब भी इनक्वालिटी दिखती है सबसे पहला आइडिया दिमाग में क्या आना चाहिए ए एम ग्रेटर देन और इक्वल टू जी एम अगर जरूरत पड़ी तो ग्रेटर देन और इक्वल टू एच एम अभी यहां से काम हो जाएगा लगता है मुझे तो ये क्या आएगा बच्चों प्लस बी प्लस सी होल डिवाइडेड बाई थ्री इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ये क्या आएगा क्यूब रूट ऑफ यस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटूस माइनस सी करेक्ट तो ये क्या आएगा थ्री एस माइनस ए माइनस बी माइनस सी क्या हो जाएगा ये टू एस हो जाएगा क्योंकि पेरीमीटर बन जाएगी तो थ्री एस माइनस टू एस क्या थ्री थ्री इज ग्रेटर इक्वल टू ये क्या आ रहा है की पावर वन बाई थ्री अब इसको क्यूब करते हैं इनिक्वालिटी तो वही रहेगी तो ये क्या आएगा यस क्यूब अपॉन थ्री क्यूब ट्वेंटी सेवन आएगा थ्री क्यूब विच इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ये आ गया यस माइनस ए इंटू यस माइनस बी इंटू यस माइनस सी अब हमें क्या चाहिए एरिया ऑफ ट्राइंगल चाहिए एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है तो इसको यस yes से मल्टीप्लाई करो इधर भी करो इधर भी करो क्या टू फोर अपॉन ट्वेंटी सेवन इज ग्रेटर इक्वल टू यस इंटू एस माइनस ए इंटूस माइनस बी इंटू यस माइनस सी हमने क्या किया बस यस yes से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर लिया ठीक है सही है अब क्या करते हैं अब इसका क्या करेंगे स्क्वेयर रूट निकालेंगे मतलब प्रॉपरली हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल का रिलेशन मिल जाएगा ये क्या आएगा फिर अपॉन थ्री, थ्री रूट थ्री आएगा ट्वेंटी सी ये क्या आएगा डेल्टा मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल तो हमें मिल गया एरिया ऑफ ट्राइंगल इज लेस देन और इक्वल टू यूट थ्री मिल गया अब हमें यहां पे क्या है एरिया ऑफ सर्कल पता है यल स्क्वायर अपॉन फोर पाए है तो ये क्या आएगा बच्चों देखो एरिया ऑफ सर्कल और एरिया ऑफ ट्राइंगल का हमें क्या चाहिए रेशो चाहिए तो ये क्या आएगा एरिया ऑफ सर्कल क्या था यश yes को अभी यश yes को हाँ यस yes को भी हमें l के टर्म्स में करना पड़ेगा क्या है बच्चों हमें पता है यस yes क्या है सेमी पेरीमीटर है l क्या थी पेरीमीटर थी तो यस yes को हम l बाई टू लिख सकते हैं तो ये क्या आएगा बच्चों एरिया ऑफ सर्कल था एल स्क् और ये क्या है ये एरिया ऑफ ट्राइंगल की मैक्सिमम वैल्यू है तो जब डिनोमिनेटर में मैक्सिमम वैल्यू रखोगे आप तो इसमें क्या आएगी ये पूरी टर्म की क्या आएगी मिनिमम वैल्यू आएगी जब डिनोमिनेटर की मैक्सिमम वैल्यू पुट करोगे तो इसकी क्या आएगी मिनिमम वैल्यू आएगी मतलब क्या दिस विल बी सॉरी इसकी मिनिमम वैल्यू आएगी तो इनिक्वालिटी क्या बनेगी बच्चों डिनोमिनेटर में मैक्सिमम आ रही है मतलब ये जो वैल्यू आने वाली है वो इसकी मिनिमम वैल्यू हो जाएगी ठीक है तो ए ऑफ सी अपॉन ए ऑफ टी बी ग्रेटर देन इक्वल टू एल स्क् अपन फोर बाय यहाँ पे यस स्क्वायेर अपॉन थ्री रोट थ्री डालना है तो इसकी जगह पे एल बाय टू मतलब एल स्क् बाय फोर इन थ्री रोड थ्री रखेंगे तो ये आ गया एरिया ऑफ सी अपॉन एरिया ऑफ टी ट्राइंगल ग्रेटर देन और इक्वल टू एल स्क्वायेर एल स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो ये क्या आ गया ट्वेल्व ये डिनोमिनेटर में फोर फोर है तो ये भी कैंसिल हो जाएगा तो ये आ गया थ्री रूट थ्री अपॉन पाए अब इसको कोई भी अल्फा बोल सकते हो अल्फा की जगह पे ये रखो बस तो हमें मतलब क्या मिल रहा है एरिया ऑफ सर्कल और एरिया ऑफ ट्रायंगल का रेशियो क्या है वो हमेशा ग्रेटर और इक्वल टू थ्री रूट थ्री बाय पाए मतलब ग्रेटर इक्वल टू अल्फा आएगा मतलब किसी अल्फा के लिए ये ग्रेटर दैन अल्फा हो जाएगा तो इसीलिए ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका फिर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बच्चों इज दिस क्लियर

हमें फिर ट्राइंगल की भी पेरीमीटर पता थी सरकमफरेंस की जगह पे पेरीमीटर बोल रहा हूं मैं यहाँ पे पर आप समझ के लो तो हमें सरकम दी थी टू पा आर दिया था और हमें ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू भी यल दी थी ए प्लस बी प्लस सी इज नथिंग बट टू यस तो हमने क्या किया ट्राइंगल का एरिया हमें पता है हीरो फॉर्मूला से तो उस तरीके में हमने उसको कन्वर्ट करने की कोशिश की फिर एरिया ऑफ सर्कल तो निकाल निकल गया डायरेक्टली एल के टर्म्स में फिर क्या किया हमने यस माइनस माइनस बी एस माइनस सी के टर्म्स में आ रहा है तो इसलिए हमने क्या किया हमें ऑप्शन में सब हर जगह पे क्या था इन इक्वालिटी ग्रेटर देन या लेस देन ऐसा दिया था तो इसलिए हमें पता चल गया कि भाई इन इक्वालिटी लगने वाली है हमने ए एम ग्रेटर देन और इक्वल टू जी एम लगा लिया और हमारा काम बन गया यहाँ पे और बस यस की जगह पे यस को एल बाई टू लिख दिया और हमारा फिर फाइनली आंसर भी आ गया फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों ये आखिरी क्वेश्चन है आज के सेशन का और ये टू में आया था बच्चों इसमें कैलकुलेशन है थोड़ा सा बस बाकी कुछ नहीं है तो क्या दिया है बच्चों? बॉटल इन द शेप ऑफ राइट सर्कुलर कोन विथ हाइट एच सम वाटर, कुछ वाटर लेवल है इसमें कुछ वाटर है फिर क्या बोला वेन इट्स बेस इज प्लेस्ड ऑन फ्लैट सरफेस, फ्लैट सरफेस, मतलब किसी भी प्लेन सरफेस पे जैसे मान लो यार

का मतलब ये जो सर्कुलर uh, एरिया जो भी होता है ना डिस्क शेप वो वो जो होता है वो बेस होता है का तो इसके बीच का डिस्टेंस हमें हमें क्या 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 दिया 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 है 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 बच्चों ये जो फिर बोला देन द रेशियो पूछा है तो सबसे पहले हमें एक चीज पता है बच्चों यहाँ पे कि ये क्या होता है ये जो ट्राइंगल बनेगा यहाँ से ये ट्राइंगल और ये जो ट्राइंगल बनेगा यहाँ से ये दो ट्राइंगल क्या होते हैं सिमिलर होते हैं क्यों क्योंकि ये एंगल और ये एंगल सेम है ये 90 हो जाएगा और ये एंगल दोनों का सेम है तो बाय ए इट इज दिस विल बाई सिमिलर अब ये दो ट्राइंगल सिमिलर हो गए मतलब क्या इसके साइड का रेशो भी सेम हो जाएगा मतलब क्या यहाँ पे जो हाइट है ये ए है राइट ये इस हाइट का और इस रेडियस का रेशो ये पूरी हाइट जो मान ली हमने यच और यहाँ की जो रेडियस है आर इसके बराबर होगा सिमिलरिटी की वजह से क्योंकि ये दो ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे करेक्ट तो इससे क्या हो जाएगा इससे आपको x की वैल्यू मिलेगी x क्या मिलेगा आर ए अपन एच करेक्ट x की वैल्यू मिल जाएगी यहां से वो हम सबस्ट्रीब्यूट करेंगे और इसका वॉल्यूम निकालेंगे वॉल्यूम कैसे निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ क्या होता है बच्चों पा आर स्क वो रख दिया वॉल्यूम रख दिया उसमें से हम क्या करेंगे ये जो एम्प्टी वॉल्यूम है ये माइनस करेंगे ये क्या हो जाएगा वन बाय थ्री पायर x स्क्वायर इसका रेडियस x है तो वो ये हो गया 1/3 पाई r स्क्वायर h 1/3 पाई r पाई x स्क्वायर यहाँ पे x है into, यहाँ का हाइट क्या है a बस अब x की जगह पे r a by h लिखो आपको एक कंडीशन मिलेगी इस यहाँ पे क्या करना है फिर यहाँ पे सेम चीज है पूरा एरिया जो है इस इस लेंथ को हम वाटर लेवल का इसको y मान लेते हैं तो ये इसकी रेडियस बन जाएगी तो जो वाटर लेवल है उसका वो क्या है उस कोन का वॉल्यूम क्या हो जाएगा वन बाय थ्री पाय यहां पे रेडियस क्या है वाई है तो वाई स्क्वायर इंटू एच यच।, यच क्या हो जाएगा फिर ये माइनस ए बायर हो जाएगा ये वाटर लेवल हो जाएगी ठीक है करेक्ट इसका वॉल्यूम निकल गया अभी हमें क्या करना है ये दोनों वाटर लेवल क्या होंगे सेम होंगे ऑब्वियसली क्योंकि सेम वाटर हमने बस उसको उल्टा कर दिया है तो यहां से जो वॉल्यूम मिल रहा है यहां से जो वॉल्यूम मिल रहा है इनको इक्वेट करेंगे सॉल्व करेंगे तो ऐसा कुछ आएगा बच्चों ये दो वॉल्यूम देखो इसको और इसको इक्वेट करेंगे करेंगे तो आपको ये आर और H के टर्म्स में इक्वेशन मिलेगा इसको सिंप्लीफाई करो आपको क्या मिलेगा एक मिलेगा बच्चों डायरेक्टली एच और टर्म में आप क्वाड्रेटिक बनाने का कोशिश करोगे तो नहीं मिलेगा एच के टर्म में आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा अब इसको सॉल्व करो एच बाई ए की वैल्यू आएगी माइनस बी प्लस और माइनस रूट ऑफ बी स्क्वेयर माइनस फोर ए सी का अपना क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला यूज करो एच बाई ए की वैल्यू आएगी फाइनल आंसर आपका आ गया वन प्लस रूट एटी फाइव बाई एट अभी देखो ये भी कैलकुलेशन हम करते तो आपका और ज्यादा समय चला जाता इसलिए मैंने ये कैलकुलेशन आप पे छोड़ दिया मैंने यहाँ पर डायरेक्टली आपको टाइप करके ये लाइटेक में टाइप करके मैंने आपको ये क्या किया है आंसर लेके आया हूँ मैं आपके लिए तो ये आपका आंसर आएगा वन प्लस रूल फाइव बाय एट जो कि आपका क्या है जो कि आपका क्या है बच्चों सॉरी जो कि आपका क्या है ऑप्शन बी है तो इसीलिए ऑप्शन बी क्या हो जाएगा बच्चों आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा और मेरे ख्याल से यही था हमारा मन पूरा चैप्टर ठीक है कम क्वेश्चन थे पर हर साल एक ना एक क्वेश्चन तो आ ही रहा था तो इसलिए क्या हो गया बच्चों इसका वेटेज बहुत ही अच्छा खासा है मतलब हंड्रेड परसेंट इस साल भी एक क्वेश्चन इसके ऊपर आने ही आना है बच्चों तो इसलिए इसको इग्नोर मत करो बेसिक फार्मूलाज बस रिवाइज करो बाकी क्या करना है आपको बस बहुत इजी क्वेश्चन आने वाले हैं इस चैप्टर से तो इसलिए आपको इसको कभी इग्नोर नहीं करना जैसे मैंने आपको स्टैटिस्टिक्स के बारे में भी सेम चीज़ बोली थी बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं इन चैप्टर से सिलेबस भी कम है तो इसको इग्नोर नहीं करना बच्चों बस थोड़ा सा सरी, हल्का सा रिवाइज कर लो और आपका हो जाएगा काम तो चलिए बच्चों यहाँ पे हम आज का सेशन खत्म करते हैं फिर मिलेंगे अगले चैप्टर में तब तक के लिए धन्यवाद चलो गुड बाय